हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजिक्स पे। दोस्तों मेरे पास है इन्फिनिक्स हॉट 8 और ये जो है काफी ज्यादा हॉट है, मतलब काफी ज्यादा चर्चा में है। और इसका जो फर्स्ट सेल है वो जो है आपको कल फ्लिपकार्ट में दोपहर 12 बजे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जो है इससे 6999 में बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है फीचर इस प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा है। 4 GB का आपको रैम देखने को मिलेगा DDR4 वाला, 64 GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, डुअल सिम प्लस SD कार्ड को सपोर्ट करता है, 5000 mAh बैटरी दिया गया, 6.5 इंच का ड्रॉप नॉच HD डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफी बड़ा डिस्प्ले है और एक हाथ से भी होल्ड करने में काफी इजी है। ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है फ्रंट में, आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो इस फोन को आप अगर बाय करना चाहते हैं तो कल फ्लिपकार्ट में दोपहर 12 बजे बाय कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं जो है इसका एक फुल कैमरा रिव्यू करने वाला हूं। यहां पर देखेंगे इसका जो कैमरा है वो कैसा है। रियर में जो आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 13+2+2 MP का, 13 MP का आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा जिसका एपर्चर है f1.8, 2 MP का आपको डेप्थ सेंसिंग लेंस देखने को मिलेगा और 2 MP का आपको जो है लो लाइट सेंसर देखने को मिलेगा। क्वाड यहां पर आपको फ्लैश देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको जो है 8 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यहां पर जो एपर्चर है वो है f2.0। तो देखते हैं इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो कैसा है। इस वीडियो को जो आप एंड तक देख लीजिए जिससे आपको पता चलेगा इसका जो कैमरा है वो जो है ठीक ठाक है या फिर नहीं है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब जो आप इमेज देख पा रहे हैं इसमें D8 में कैप्चर किया है इसके रियर कैमरे से और यहाँ पर इमेज परफॉर्मेंस रियली में इसका काफी बढ़िया है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो भी इस प्राइस रेंज में। और यहाँ पर जो कलर टोन है वो जो है काफी बढ़िया है, हालांकि नेचुरल नहीं है बट यहाँ पर अननेचुरल जैसा भी नहीं नजर आएगा, काफी अट्रैक्टिव और काफी फाइन कलर टोन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और डायनेमिक रेंज भी जो है इसका काफी सही है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और मैं अगर आपको इमेज को जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो है जूम करने के बाद भी जो क्लियरिटी है वो जो है आपको काफी बढ़िया नजर आ जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने जो है कुछ माइक्रो शॉट वगैरह भी कैप्चर किया और यहाँ पर देखिए बारिश पड़ रहा था कोलकाता में और यहाँ पर बारिश के बूंदों को देखिए कितने अच्छे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका रियर कैमरा है D-Lite में जो है काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। और बात करें पोर्ट्रेट शॉट की तो यहाँ पर जो ये काफी बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर कर लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैकग्राउंड ब्लर जो इसका काफी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट बैकग्राउंड ब्लर को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन वगैरह सही रहा तो आपको जो है DSLR जैसा पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो शॉट है यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन काफी सही था, इवन बैकग्राउंड वगैरह भी जो है काफी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का आप पोर्ट्रेट शॉट वगैरह इसके रियर कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली काफी बढ़िया आता है। इनफैक्ट बात करें एज डिटेलिंग की तो एज डिटेलिंग भी यहाँ पर जो है इसका काफी बढ़िया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एज डिटेलिंग है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो पोर्ट्रेट शॉट ये जो है काफी बढ़िया कैप्चर करता है। और बात करते हैं लो लाइट इमेज के बारे में तो लो लाइट परफॉर्मेंस भी जो है मुझे इसका ठीक ठाक लगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इमेज है उसमें आपको नॉइस काफी कम नजर आ जाएगा। इनफैक्ट इमेज जो है आपको काफी क्लियर नजर आता है। और ये जो इमेज है यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ तारों के गुच्छे पड़े हुए हैं और वो देख पा रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर डिटेल्स के साथ जो है कैप्चर हुए हैं। तो डेफिनेटली इसका जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो जो है आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अब जो आप ये इमेज देख पा रहे हैं इसे मैंने फ्लैश ऑन करके कैप्चर किया और यहाँ पर जो है आपको क्वाड फ्लैश दिया गया है, जिससे अगर आप जो है इमेज वगैरह कैप्चर करते हैं बिल्कुल अंधेरे में तो भी यहाँ पर जो है आपको काफी बढ़िया लाइट के साथ जो है इमेज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है 4 फ्लैश दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज जो है काफी बढ़िया रहता है। तो अंधेरे में अगर आप जो इमेज वगैरह कैप्चर करते हैं फ्लैश ऑन करके लीजिए, एकदम परफेक्ट आपको जो इमेज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैश है वो काफी दमदार है। इनफैक्ट लो लाइट पोर्ट्रेट शॉट भी जो आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला हल्का सा लाइटिंग कंडीशन सही रहना चाहिए जिससे जो है पोर्ट्रेट शॉट और भी बेहतर आता है। तो यहाँ पर लो लाइट में भी जो है आप पोर्ट्रेट शॉट काफी अच्छा कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इसे मैं इसके रियर कैमरा से D-Lite में शूट कर रहा हूँ। वीडियो जो फुल HD में रिकॉर्ड किया जा रहा है, आवाज़ जो सुन पा रहे हैं वो इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कुछ इस तरीके आपको सुनने को मिल जाता है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा बहुत आपको चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी जो वीडियो है उसमें येलो टोन आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा
और अगर मैं जो है स्काई की तरफ थोड़ा लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ब्लू टोन हल्का सा ज़्यादा नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज होता हुआ नज़र आ जाता है। बाकी कलर वगैरह जो है 100% नेचुरल नहीं है, बट काफ़ी हद तक नेचुरल के क्लोज है। और यहाँ पर जो है आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है, तो मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो कैसा है, और थोड़ा सा दौड़ के दिखाता हूँ तो देख पा रहे कुछ इस तरीके का जो है आपको शेक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया। बाकी चेक करते हैं इसके फोकस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको फोकसिंग में प्रॉब्लम नज़र आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा फोकस में प्रॉब्लम है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो है वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक नज़र आया। सो फ्रेंड्स अब जो आप ये वीडियो देख पा रहे, इसे मैं लो लाइट में शूट कर रहा हूँ, इसके रियर कैमरा से। और लो लाइट वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है, हालांकि उतना ज़्यादा ग्रेट या फिर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक है। नॉइज़ वगैरह काफ़ी हल्का है, बट यहाँ पर जो है फोकसिंग में जो है प्रॉब्लम नज़र आ जाएगा, और स्टेबलाइजेशन होता तो काफ़ी बढ़िया होता। बाकी यहाँ पर जो है ठीक ठाक आपको जो है लो लाइट वीडियो क्वालिटी इसके रियर कैमरा का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं सेल्फी परफॉर्मेंस की। तो अभी जो आप ये सेल्फी देख पा रहे हैं, इसे मैंने डी लाइट में कैप्चर किया, और यहाँ पर जो सेल्फी परफॉर्मेंस है वो स्पेशली मुझे काफी बढ़िया लगा। यहाँ पर जो कलर टोन है वो आपको हल्का सा पंची देखने को मिलता है, जिस वजह से जो सेल्फी है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और जो ब्लैक कलर है टी शर्ट का वो देखिए एग्जैक्ट ब्लैक यहाँ पर शो करता है। इवन यहाँ पर जो हेयर का ब्लैक कलर है वो भी जो है एग्जैक्ट ब्लैक शो कर रहा है, और बैकग्राउंड डिटेल्स जो है ये काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है आपके साथ साथ, जिस वजह से यहाँ पर जो सेल्फी है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसका जो सेल्फी परफॉर्मेंस है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से मुझे काफी बढ़िया लगा। और बात करें पोर्ट्रेट सेल्फी की, तो पोर्ट्रेट सेल्फी यहाँ पर जो है ये ठीक ठाक कैप्चर कर लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बैकग्राउंड को ब्लर करता है, साथ साथ यहाँ पर बैकग्राउंड के डिटेल्स को भी जो है विजिबल रखता है, और यहाँ पर जो है आपके ऊपर भी फोकस रखता है। बट अगर मैं आपको हल्का सा जो है जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर एज डिटेलिंग इसका उतना खास अच्छा नहीं है पोर्ट्रेट सेल्फी का। और मैंने इन्फिनिक्स से बात किया है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो बेसिकली जो है पोर्ट्रेट सेल्फी में अभी थोड़ा सा जो है एज डिटेलिंग में प्रॉब्लम है, बट नॉर्मली अगर आप पोर्ट्रेट सेल्फी कैप्चर करके चेक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एज डिटेलिंग में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं नजर आएगा। अगर आप जूम करते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम नजर आएगा, अदरवाइज यहाँ पर पोर्ट्रेट सेल्फी भी जो है काफी बढ़िया कैप्चर होता है। लो लाइट सेल्फी परफॉर्मेंस की बात करें तो लो लाइट में इसका सेल्फी परफॉर्मेंस मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत आपको जो है नॉइज देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ब्लरी टाइप का ये थोड़ा सेल्फी कैप्चर कर लेता है लो लाइट में, तो लो लाइट में इसका सेल्फी परफॉर्मेंस आपको उतना खास अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अब जो आप ये सेल्फी देख पा रहे हैं, इसे मैंने फ्लैश ऑन करके कैप्चर किया, और फ्लैश ऑन करने के बाद सेल्फी में थोड़ा सा जो है डिटेल्स आ जाता है, मतलब ब्लरिशनेस खत्म हो जाता है। बाकी यहाँ पर ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको नॉइज देखने को मिलेगा, तो फ्लैश ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा बेटर सेल्फी देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन की, तो आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में इसका सेल्फी परफॉर्मेंस जो है डी लाइट की तरह ही जो है हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं लो लाइट में जो है सेल्फी वगैरह काफी कम ही लोग कैप्चर करते हैं, ज्यादातर आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन जैसे कि कोई भी ओकेशन हो गया, कोई भी शादी ब्याह हो गया, या फिर हो गया कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो गया, तभी जो है हम यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में सेल्फी वगैरह कैप्चर करते हैं। बाकी लो लाइट में जो है काफी कम ही लोग जो है सेल्फी वगैरह कैप्चर करते हैं, तो यहाँ पर इसका लो लाइट सेल्फी परफॉर्मेंस उतना खास अच्छा नहीं है जितना कि इसका आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन सेल्फी परफॉर्मेंस है। सो फ्रेंड्स अभी जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसे मैं डे लाइट में इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो फुल एचडी में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सुन पा रहे हैं इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस तरीके से आपको सुनने को मिल जाता है। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट कैमरा का वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा आपको पंची कलर देखने को मिल जाता है इसके फ्रंट कैमरा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और फ्रंट कैमरा में जो है कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है, तो मैं यहाँ पर आपको चल के दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का आपको शेक नजर आ जाएगा। और डायनेमिक रेंज की बात करें तो यहाँ पर जो है बैकग्राउंड को ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ले रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी दूर तक जो है ये बैकग्राउंड को ले रहा है, तो यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है ये भी इसका काफ़ी सही है। सो फ्रेंड्स अब जो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसे मैं लो लाइट में शूट कर रहा हूँ इसके फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पर लो लाइट वीडियो क्वालिटी उतना खास अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी ब्लरिश टाइप का यहाँ पर वीडियो आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर नॉइस जो आपको कम देखने को मिलता है, बट वीडियो में यहाँ पर उतना क्लियरिटी नहीं है जितना कि होना चाहिए। सो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को इन्फिनिक्स हॉट 8 का कैमरा वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मेरे ओपिनियन की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो रियर कैमरा है डी लाइट में जो है काफी बढ़िया परफॉर्म कर लेता है, नॉर्मल या फिर आपका पोर्ट्रेट इमेज वगैरह काफी बढ़िया यहाँ पर जो ये कैप्चर करता है। इनफैक्ट यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो
तो लो लाइट में भी इसका परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा एवरेज है, काफी ज्यादा ग्रेट नहीं है, बट एवरेज परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में आप जो काफी बढ़िया इसके रियर कैमरा से इमेज वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। वही बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा का जो है डी लाइट सेल्फी काफी बढ़िया है। मुझे इसका फ्रंट कैमरा का डी लाइट सेल्फी काफी बढ़िया लगा। इवन आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में भी आप जो काफी बढ़िया सेल्फीज वगैरह कैप्चर कर लेते हैं। लू लाइट में थोड़ा सा आपको जो है सेल्फी उतना खास अच्छा नहीं लगेगा, बट यहाँ पर जो है डेडिकेटेड आपको जो है फ्रंट फ्लैश दिया गया है, जिससे आप जो है लो लाइट में, एक्सट्रीम लो लाइट में जो है फ्लैश ऑन करके सेल्फी वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इनफैक्ट पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करें तो पोर्ट्रेट सेल्फी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, बट आपको जो है एज डिटेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर आप जूम करके देखते हैं तो। नॉर्मली जो है पोर्ट्रेट सेल्फी यहाँ पर मस्त आता है, मतलब काफी बढ़िया लगता है अगर आप नॉर्मली देखते हैं तो। जूम करने के बाद थोड़ा सा एज डिटेलिंग आपको जो है देखने में उतना खास अच्छा नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पर जो सेल्फी है नॉर्मल सेल्फी, वो परफॉर्मेंस इसका काफी बढ़िया है। और अगर इससे रेटिंग देने की बात की जाए तो 10 में से मैं इसे जो है 7 रेटिंग दूंगा, और जो कि काफी बढ़िया यहाँ पर जो है मुझे कैमरा लगा नॉर्मल इस प्राइस रेंज में, 6999 के प्राइस रेंज में। तो डेफिनेटली आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। कल फ्लिपकार्ट में दोपहर के 12 बजे ये फर्स्ट सेल में जाने वाला है, और यहाँ पर जो है अगर आप बाय करना चाहते हैं तो जाकर बाय कर सकते हैं। और कौन कौन इसे बाय करना चाहता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियोज लाते रहता हूँ। और साथ साथ यहाँ पर अगर आपको इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट स्क्रीन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप फेसबुक पेज को भी जो है फॉलो कर सकते हैं या फिर लाइक कर सकते हैं, जिससे जो है आपका कम्युनिकेशन और हमारा कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली आप मुझसे चैट कर सकते हैं, वॉइस चैट कर सकते हैं, और साथ साथ आप वहाँ पर जो है कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, फोटो वगैरह भेज सकते हैं, जिससे मैं जो है उसका सॉल्यूशन कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है फॉलो कर लीजिएगा, जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफी इजी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।